मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर समेत सभी दोषियों को 10 साल की जेल। दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्नाव रेप केस पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर समेत सभी 7 दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर और अतुल सेंगर को पीड़िता के परिवार को ₹10 लाख देने का भी आदेश दिया है। बता दें, अप्रैल 2018 में पीड़िता के पिताजी की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। साथ ही रेप केस में सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जब सजा सुनाई तब दिल्ली के कोर्ट में सेंगर ने कहा, मुझे न्याय दीजिए, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे फांसी पर लटका दो या मेरी आंखें तेजाब से जला दो। वह सभी तथ्य और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। दो लोगों ने मिलकर दिल्ली में की दोस्त की हत्या, उसके शव के साथ किया अप्राकृतिक सेक्स। पुलिस ने दिल्ली में दोस्त की हत्या के बाद अप्राकृतिक सेक्स करने के 2 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है। बतौर पुलिस उन्होंने स्वीकार किया है कि मृतक के घर हुए विवाद के बाद उन्होंने गला घोटकर उसकी हत्या की थी। हालांकि मृतक की बहन ने उन्हें शव को ठिकाने लगाते हुए देखा, जिससे यह मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की का रेप व 4 अन्य नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में कोच गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र पुलिस ने एक नाबालिग प्रशिक्षक लड़की का रेप करने और 4 अन्य नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में जूडो कोच को गिरफ्तार किया है। पीड़िताओं के माता पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी कोच इन बच्चियों पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था और व्हाट्सएप ग्रुप पर पॉर्न वीडियोस व फोटोज भेजता था। साथ ही आरोपी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया करता था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।